ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। राहुल पर मोदी का हमला। फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अब रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। राहुल पर अमित शाह का निशाना। बीजेपी के दोनों सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं और इसकी वजह है आज की ये तस्वीरें। राहुल गांधी ने तमाम चर्चाओं, अटकलों और कार्यकर्ताओं की मांग को दरकिनार करते हुए अमेठी की जगह रायबरेली से नामांकन दाखिल किया है। पहली बार राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लिहाजा नामांकन के मौके पर मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका भी मौजूद रहेंगी। वैसे कई दिनों से चर्चा राहुल के अमेठी से लड़ने की हो रही थी, लेकिन आखिरी वक्त तक पार्टी ने सियासी सस्पेंस कायम रखा और नामांकन के आखिरी दिन रायबरेली से उम्मीदवारी का ऐलान किया। बीजेपी में छोटे से लेकर बड़े नेता तक कह रहे हैं कि राहुल अमेठी में हार के डर से रायबरेली भाग गए हैं। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। जब भी भारत पे संकट आएगा तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा, लेकिन जब चुनाव आते हैं तब रामलला भी उनको याद आते हैं, तब वह उत्तर प्रदेश में आ थमकते हैं, फिर चुनावी गठबंधन करके फिर गायब हो जाएंगे। राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए, इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे कि बहादुर जफर शाह मुगलिया संतलत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। रायबरेली में अमेठी से भी बड़ी पराजय से राहुल गांधी जी की होने जा रही है और सपा के जो मुखिया हैं वो कन्नौज में हैं, और मैं मानता हूं कि हम यह दोनों सीटें तो बहुत अंतर से जीतेंगे ही, इस बार 80 की 80 सीटें जीतेंगे। बीजेपी तो हार के डर की बात कह रही है, लेकिन क्या वाकई में अमेठी में हार की आशंका ने ही राहुल को सीट बदलने पर मजबूर कर दिया? ये सवाल यूं ही नहीं है। जिस तरह से पार्टी ने सस्पेंस बनाया और आखिरी वक्त तक सब कुछ लटका कर रखा, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी, उससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, राहुल बिन अमेठी सूंड के पोस्टर। कई दिनों पहले अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे हुए थे। परसों ही अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर राहुल गांधी से चुनाव लड़ने की मांग की। यहां तक कि पार्टी के नेशनल लीडर राहुल गांधी से मांग कर रहे थे कि वो अमेठी से लड़े, और अमेठी के स्थानीय नेता तो कल तक ये कह रहे थे कि अमेठी से चुनाव राहुल गांधी ही लड़ेंगे। अमेठी से गांधी परिवार का रिश्ता व्यक्तिगत है, पारिवारिक है। अमेठी के जन जन को राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, या क्यों कहें अमेठी परिवार को गांधी परिवार का इंतजार है। चंद मिनटों का और खबर है, बहुत जल्दी ये सूचना आ जाएगी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी मजबूती के साथ यहां से लड़ेंगे और राहुल गांधी मजबूती के साथ आएंगे। जिस दिन आएंगे उस दिन सुनामी आएगी यहां से। लेकिन हो गया इसके उलट, और यहीं से उन सवालों को हवा मिल रही है कि क्या वाकई राहुल ने हार के डर से अमेठी का रण छोड़ दिया है।
राहुल गांधी जी को अमेठी लड़ना चाहिए था और अमेठी से भागना कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ताओं में ये मैसेज जाएगा, पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि जो आदमी रोज नरेंद्र मोदी को चुनौती देता था, रोज देश की जनता से कहता था डरो मत, डरो मत, वो खुद डर गया। मुझे लगता है कांग्रेस का दुर्भाग्य है। अमेठी से रायबरेली जाने के फैसले को लेकर बीजेपी राहुल गांधी को घेरने में जुटी है, जबकि कांग्रेस नेताओं की दलील अलग है। हम लोग चाहते थे कि हम सबके नेता आदरणीय राहुल जी निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। धन्यवाद देना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। और रायबरेली एक परंपरागत सीट जहाँ पर विकास हमेशा रहा, हमेशा विकास का कार्य हुआ, अमेठी के अंदर भी वही हाल है। राहुल गांधी इस समय परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं और परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हमेशा रायबरेली से चुनाव लड़ता रहा। बीजेपी के नजरिए से देखें तो सिक्के का एक पहलू ये है कि राहुल गांधी ने अमेठी में हार के डर से सीट बदल ली, जबकि कांग्रेस के नजरिए से देखेंगे तो सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि कोई भी नेता चुनाव जीतने के लिए लड़ता है और सिर्फ सेफ सीट की ही चाहत रखता है। राहुल गांधी के लिए रायबरेली की सीट सेफ है, क्योंकि मोदी लहर में भी 2014 और 2019 में बीजेपी इस सीट को जीत नहीं पाई थी। 2019 में सोनिया गांधी को रायबरेली में 5,34,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश सिंह को 3,67,000 वोट। सोनिया गांधी तब 1,67,000 वोट से जीत गई थी। बीजेपी ने फिर से उन्हीं दिनेश सिंह को रायबरेली के अखाड़े में उतारा है। आज दिनेश सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। अब सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे। कोई वायनाड की बात कह रहा है तो कोई रायबरेली का जिक्र कर रहा है। चर्चा ये भी हो रही है कि राहुल जो भी सीट छोड़ेंगे वहीं से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाया जाएगा।